नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। हमने अभी तक ल्यूसेंट की जो बुक कर रहे थे फिजिक्स वाली, नेवी एयरफोर्स के लिए जो आती है, उसके अंदर अपन ने जो अपने सिद्धांतिक प्रश्न है उन तक को हल कर लिया था। अभी जो आंकिक प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। अभी तक आपने पीछे के जो दो वीडियो हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं, वो देख लीजिए। हमने उसके अंदर 6 नंबर पेज और 7 नंबर पेज के ल्यूसेंट के जो प्रश्न दिए हुए हैं मात्रक बीमा वाले, वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको हल करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, आंकिक प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आंकिक प्रश्न नंबर 1 को क्या कहता है, समीकरण पी बराबर ए बटा टी प्लस बी टी स्क्वेयर में पी बल को तथा टी समय को निरूपित करता है, तो ए व बी की विमाएं बताइए। देखिए सवाल दिया हुआ है, पी बराबर दिया हुआ है ए बटा टी प्लस बी टी स्क्वेयर, तो ए पी यहां पर बल है और टी है अपना समय। अपने को ए और बी की विमाएं निकालनी है। विमा के अनुप्रयोग से हम यह बात जानते हैं कि प्रत्येक पद की विमाएं समान होती है, यानी बल की अगर विमा हम देखें तो वो होती है एम वन एल वन टी माइनस टू। तो इस पद की जो विमा होगी वो भी यही होनी चाहिए एम वन एल वन टी माइनस टू, और इस पद की भी जो विमा होगी वही यही होनी चाहिए एम वन एल वन टी माइनस टू। तो देखिए इसकी विमा कैसे निकालेंगे, समझते हैं। अपन सबसे पहले समय की विमा देखते हैं, बटा में कुछ आएगा, समय की विमा आ गई T1, और यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर समय की विमा है वो आएगी T2, और आगे कुछ B की विमाएं आएगी और यहां पर A की विमाएं आएगी ऊपर। देखिए अब सोल्व करते हैं, अगर इस पूरे को सोल्व करें तो यह उत्तर आना चाहिए एम वन एल वन टी माइनस टू। तो देखिए कैसे करेंगे, एम वन का एम वन रहना पड़ेगा ऊपर की ओर, फिर एल वन का एल वन रहना पड़ेगा, और टी की घात अगर माइनस एक कर दें तो देखिए एक बात, टी की घात माइनस एक है, टी की घात एक नीचे है, तो नीचे वाली घात ऊपर गई तो माइनस एक हो गई, माइनस एक और माइनस एक मिलकर माइनस दो बन गया, यानी इस पूरे पद की विमा भी बल की विमा के समान बन गई। अतः ए की जो विमा है वो आ गई एम वन एल वन टी माइनस वन। अब बात करते हैं बी की विमा, बी की विमा के अंदर अपने को बनाना है एम वन एल वन टी माइनस टू। तो देखिए एम वन तो है ही नहीं अपने पास, तो एम वन का एम वन लिख दिया, एल वन का एल वन लिख दिया, और टी की घात अगर मैं माइनस चार कर दूं तो देखिए टी की घात माइनस चार और टी की घात दो, पूरा मिलकर टी की घात माइनस दो बन गया, यानी बी की जो विमा होगी वो हो गई ए एम वन एल वन टी माइनस फोर। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो देखिए ए नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। देखिए ए की विमा होगी एम वन एल वन टी माइनस वन, बी की विमा एम वन एल वन टी माइनस फोर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एल बट्टा आर की विमा बराबर है, देखिए समझते हैं क्या होता है एल बट्टा आर। एल बट्टा आर, एल यहां पर प्रेरकत्व है और आर है वो प्रतिरोध है, इसकी विमा हमें निकालनी है। तो देखिए समझिए कैसे करेंगे, अपन ने प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी है वो आवर्ती वाला, ओमेगा बराबर होता है आर बट्टा एल, पर आवर्ती का सूत्र होता है आर बट्टा एल, और ओमेगा का हम सूत्र जानते हैं 2π/T, तो बराबर कितना आ गया आर बट्टा एल। ये प्रत्यावर्ती धारा वाले सूत्र जो चैप्टर है उसके अंदर हमने पढ़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो टी बराबर क्या आ गया अपना T/π की वैल्यू निकाल ले अगर अपन, तो ये आ गई L बटा R, यही है अपना L बटा R। अब देखिए इसकी विमा कैसे निकालेंगे या मात्रक कैसे निकालेंगे, L बटा R दिया हुआ है तो L T/2π, T की विमा बटा 2π की विमा तो विमाहीन है, तो इसकी जो विमा बचेगी वो समय की विमा के समान होगी। समय की जो विमा होती है वो होगी T1, यानी इसकी जो विमा होती है T1। अगर ऑप्शन चेक करें हम तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान की विमा के, बी ऑप्शन दिया हुआ है समय की विमा के, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, समय की विमा के समान। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 1 kg वेट किसके बराबर होता है, इसका मतलब होता है वेट, वेट यानी भार, 1 किलो भार किसके बराबर होता है किसके। तो देखिए अगर हमें भार निकालना है तो भार W बराबर हम जानते हैं m इंटू जी होता है, द्रव्यमान दिया है अपने को 1 और g का मान है 9.8, तो ये आ गया 9.8। भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है क्योंकि भार एक प्रकार का बल है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सी ऑप्शन होता है वो सही हो जाएगा इसका, तो 3 नंबर ऑप्शन का 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर, 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 1 लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 × 10^15 मीटर के। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं प्रकाश वर्ष की, प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है, यानी प्रकाश द्वारा 1 वर्ष के अंदर चली गई जो दूरी है उसे हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश 1 सेकंड के अंदर, प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड,
तो 1 सेकंड के अंदर इसकी चली गई दूरी है 3 × 10^8। अगर हम इसे 1 वर्ष की दूरी को न्याय करेंगे तो इतना आ जाएगा 9.46 × 10^15 मीटर। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसका ए नंबर जो आंसर है वो सही हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। हम क्वेश्चन कर रहे हैं पेज नंबर 7 के सिद्धांकिक प्रश्नों के। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय प्रत्येक के मात्रक आधे कर दिए जाएं तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए समझते हैं, दाब दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं, बल का सूत्र निकालें। बल का सूत्र होता है F बराबर ma, और क्षेत्रफल का क्षेत्रफल रख लिया अपन ने, ए है यहां पर त्वरण। अब क्या करते हैं, इसमें दे रखा है द्रव्यमान, लंबाई और समय। अपन जानते हैं त्वरण ए बराबर होता है डीवी बट्टा डीटी, यानी वेग बट्टा समय, क्षेत्रफल गुणा वेग बट्टा समय। और फिर वेग का सूत्र होता है वो होता है दूरी बट्टा समय या विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन को एल सी लिख दिया और यहां पर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल और बट्टा में समय था तो समय का स्क्वायर बन गया। ये आ गया अपना दाब का सूत्र। अब अपने को ये सवाल क्या कह रहा है, द्रव्यमान, लंबाई एवं समय प्रत्येक के मात्रक आधे कर दिए जाएं तो दाब का मात्रक क्या होगा। समझिए, अगर हम इसको मात्रक में देखें तो P का मात्रक क्या बनेगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आगे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वेयर, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और इसका है अपना स्क्वेयर। अब इस सवाल को हल कैसे करेंगे, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, ये बन गया kg अपॉन मीटर इंटू सेकंड स्क्वेयर, ये अपना इसका मात्रक बन गया। इसकी विमा से भी निकाल सकते हैं लेकिन मैंने आपको पूरा सोल्व करके दिखा दिया। अब ये कह रहा है कि द्रव्यमान, लंबाई और समय सभी को आधा आधा कर दो, तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, P का मान कितना हो जाएगा, अगर द्रव्यमान को आधा कर दिया बटा मीटर है, लंबाई को भी क्या कर दिया आधा, इंटू समय को भी आधा, और इसका हो जाएगा स्क्वेयर, आधे से आधा कैंसिल, 1/2 का स्क्वेयर हो गया 1/4, ऊपर जाके कितना बन गया 4, यानी जो दाब है वो कितने गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि V चाल, R त्रिज्या एवं G गुरुत्वीय जनित त्वरण हो तो निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन होगी। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी राशि विमाहीन होगी। पहला है V स्क्वेयर बट्टा आर जी, तो देखिए क्या होगा, V V का मात्रक होता है V का मात्रक होता है L1 t-1 और इसकी घात 2। R त्रिज्या, त्रिज्या का विमा होती है L1 और त्वरण की विमा होती है L1 t-2। अगर हम इसे हल करें तो ये बन जाएगा L2 t-2 बट्टा, ये बन जाएगा L2 t-2। अगर हम दोनों को कैंसिल करें तो इसकी विमा आ जाएगी M0 L0 t0, यानी ये V स्क्वेयर बट्टा आर जी है, ये विमाहीन राशि है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा और आगे चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं है, ए ऑप्शन है वो सही हो गया। अगला 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, P दाब है यहां पर P बराबर 80² + BV² + CF, ये सवाल दे रखा है +sin θ K, पूछ क्या रहा है, यहां जहां पर P दाब है, V वेग है, T समय है, F बल हो तो A की विमा बताइए। मैंने पीछे के पहले वाले सवाल में बताया था कि प्रत्येक पद की विमा होती है वो समान होती है, यहां P दाब है, दाब की विमा अपने को याद है M1 L-1 T-2, थ्योरी से ही हम याद करके चलते हैं। अब क्या करना है, A की विमा निकालनी है तो बाकी सबको छोड़ देते हैं, बाकी का अपने को कोई मतलब नहीं है। समय, समय की विमा होगी होती है T2 और A की विमा कुछ ना कुछ यहां पर होगी। अब समझिए इस बात को, यहां पर अपने को इन दोनों को मिलाकर M1 L-1 T-2 बनाना है, तो क्या बन जाएगा, M1 का M1 L-1 का L-1, क्योंकि यहां L-1 का कोई जिक्र ही नहीं है, और T की घात अगर मैं -4 कर दूं तो T की घात टोटल मिला के -2 बन जाएगी। तो देखिए इस A की विमा क्या आ जाएगी, M1 L-1 T-4। देखिए अगर इसका तो D नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, D ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल की। 8 नंबर सवाल कहता है समीकरण V बराबर 80 + B/T + C, ये अपने को समीकरण दी गई है, जहां पर V वेग है, T समय है, तो A B व C की क्रमशः विमाएं बताइए। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, अपन को विमा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि प्रत्येक पद की विमा यदि जोड़ या घटाव हो रहा है या बराबर में है तो उस प्रत्येक पद की विमा है वो समान होगी। तो देखिए यहां पर वेग की विमा अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा L1 T-1 वेग की विमा,
यहां पर अब इस पूरे पद की विमा भी L1 T-1 बननी चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, यहां पर इसकी विमा लिख लेते हैं समय की, T1 अपने को पता है, A की अपने को पता नहीं है, निकालनी है। तो क्या करेंगे, A की विमा कैसे निकालेंगे, L1 का L1 आ गया, और T की घात -1 बनानी है, अपने पास T की घात 1 है, तो T की घात -2 कर दूं, तो ये दोनों मिलाकर T की घात -1 बन जाएगा। तो A की विमा आ जाएगी, वो आ जाएगी L1 T-2। अगर हम बात करें C की विमा की, तो टी सी की विमा में बात करें तो सी है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो सी की जो विमा होगी वो सी की विमा किसके समान हो जाएगी, समय की विमा के समान हो जाएगी। तो सी की विमा आ जाएगी T1, सी की समय की विमा के समान हो जाएगी क्योंकि समय के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमें बी की विमा निकालनी है तो बी की विमा कैसे निकालेंगे समझिए, ये पूरा का पूरा समय राशि है, नीचे वाली समय राशि है और ऊपर वाली की अपने को विमा ज्ञात करनी है। इस पूरे वाले भाग की अगर मैं बात करूं तो अगर देखिए ये ऊपर वाले की बी की विमा अपने को ज्ञात करनी है और नीचे वाला समय राशि है, तो समय की विमा होती है T1 और अपने को टोटल मिला के बनाना है L1 T-1। तो देखिए कैसे बनाएंगे, L1 का L1 आ गया क्योंकि L1 का यहां पर कोई ना तो भाग किया हुआ है ना ही गुणा किया हुआ है, और अगर मैं T की घात कुछ भी ना करूं, T की घात 0 कर दूं, तो T की घात ऊपर आके -1 बन जाएगी और पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा, ये बी की विमा बन जाएगी ऊपर वाली। तो ए की जो विमा है वो तो है L1 T-2, सी की जो विमा है वो है T1 और बी की जो विमा है वो है L1। ये है वो विमा के कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ है अपना कि प्रत्येक पद की विमा है वो समान होती है। अगर हम इसका ऑप्शन चेक करें तो देखिए सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा क्योंकि देखिए इसमें ए की विमा दी हुई है L1 T-2, बी की विमा L1 और सी की विमा है वो T1 दी गई है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर सवाल, यदि किसी पिंड के विस्थापन का समीकरण y बराबर ZT प्लस 80 स्क्वेयर है, जहां y मीटर में, t सेकंड में, तो z की विमाएं बताइए। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल, y है विस्थापन, बराबर दिया हुआ है ZT प्लस 80 स्क्वेयर, अपने को पूछ रहा है z की विमा, तो अपने को इस जो पद है उसका जिक्र ही नहीं करना, अपने को यहां पर इसकी विमा लिख लीजिए, इसकी विमा होती है L1 क्योंकि विस्थापन है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई की विमा होती है L1। हमें इस चीज की विमा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहां पर समय दिया गया है तो समय की विमा तो T1 होगी इस वाले की, और z की विमा हमें ज्ञात करनी है, तो एक बार के लिए मैंने यहां ब्रैकेट लगा लिया, मुझे पता नहीं है कि इसकी विमा क्या है। अपने को टोटल मिला के L1 रखना है, इस पूरे मिला के L1 रखना है, तो L1 तो L1 रख लिया एक बार क्योंकि यहां पर L1 का कोई जिक्र ही नहीं है, और T की घात अगर मैं -1 कर दूं तो T -1 और T की घात 1 टोटल मिला के 0 बन जाएगा, और अगर हम इस पूरे को देखें तो इसकी विमा है वो L1 के बराबर आ जाएगी। तो जो जेड है, जेड की विमा हो गई L1 T-1। अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका जो ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, वो सही हो जाएगा क्योंकि उसमें दिया गया है इसकी विमा है L1 T-1। क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वांडरवाल समीकरण दी हुई है अपने को पी प्लस ए बट्टा वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी, और अपने को पूछ रहा है ए की विमा, तो ए की विमा कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए, ए यहां पर नियतांक है, वांडरवाल समीकरण में हमें पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है, पी है यहां पर दाब, वी है आयतन, ए और बी नियतांक है, वांडरवाल नियतांक, एन है मोलों की संख्या, आर गैस नियतांक और टी होता है ताप। अब ए की विमा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये दो पद हैं वो जुड़े हुए हैं, अब इस पी की विमा को अपने को पता है M1 L-1 T-2, ये होती है दाब की विमा, हमें ए की विमा निकालनी है, अपने को पता है आयतन दिया हुआ है तो अपन बट्टा में आयतन की विमा होती है L3 और इसकी घात दी हुई है 2, यानी टोटल मिला के बन गया L की घात 6 और अपने को इसकी ए की विमा ज्ञात करनी है। तो देखिए समझिए ए की विमा कैसे निकालेंगे, यहां पर M1 दिया हुआ है तो M1 का M1 रख लिया, टी की कोई जिक्र नहीं है तो टी जो सेम है वैसे का वैसा सेम का सेम रख लिया, अपने को यहां पर L के मान में परिवर्तन करना है तो L की विमा इस प्रकार बनानी है कि इस पूरे को जब हल करें तो यह आ जाए। तो देखिए L की विमा यहां पर -1 है, यहां पर L और यहां पर L की घात है वो 6 हो गई, तो यहां पर अगर मैं L की घात 5 करूं तो यहां पर टोटल आके क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। देखिए एक बार वापस समझिए, m की घात 1 है, t की घात -2 है क्योंकि यहां पर l के बारे में जिक्र है, तो l की घात 6 बन गई, अगर मैं 5 घात करूंगा तब जाके यहां पर -1 बनेगा, तो a की विमा क्या आ गई m1 l5 t-2। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो इसका जो b नंबर ऑप्शन दिया गया है
ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए की बीमा हो गई M1L5T-2। अगर हम बी की बीमा की और बात करें, अगर बी की बीमा और पूछ ले सवाल के अंदर, तो क्या करेंगे, बी है वो किसके साथ जुड़ा या घटा हुआ है, आयतन के साथ। आयतन की बीमा होती है L3, तो जो बी की बीमा होगी वो भी क्या हो जाएगी, L3 हो जाएगी। बी की बीमा होती है L3, ए की बीमा होती है M1L5T-2। तो ये हो गए अपने मात्रक और बीमा का, जो लुसेंट का टॉपिक है वो अभी यहां पर कंप्लीट होता है। मैं यहां पर क्वेश्चन करवा रहा हूं, अब अपन बात करेंगे अगला जो टॉपिक है सदिश के बारे में। इसी प्रकार अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप भी और देखने के वीडियो इच्छुक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके कमेंट की कमी के कारण मैं इसमें सुधार नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता है, क्या क्या आपको पढ़ना है इस ल्यूसेंट के अंदर। धन्यवाद।